हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए ट्रिपल कलर निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 4 मल्टीपल +3 एडिशनल +2 एज फंदे। एक छोटा सा बॉर्डर मैंने बना दिया है। राइट साइड से फर्स्ट रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार रहे हैं। ये देखें, अब आपने ये देखिए 1, 2, 3 फंदे आपने बिना बुने उतारने हैं। अब हम कलर को चेंज करेंगे यहाँ पर, और इसको हम सीधा लेंगे और इसको यहाँ से 1 और 2 बार धागे को हम इस तरीके से लपेट देंगे और इसको आपने सीधा बनाना है। धागे को निकाल देंगे, 1, 2, 3 फंदे हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, धागे को डबल करना है और फिर इसे सीधा बना लेंगे। फिर 1, 2, 3 फंदे हम निकालेंगे और इस फंदे पर 1 और 2 बार धागे को इस तरीके से आपने लपेटना है। फिर 1, 2, 3 फंदे लेंगे और इसको आप 1 और 2 बार धागे को ऐसे लपेटना है। 1, 2, 3 धागे को आपने 2 बार लपेटना है। फर्स्ट रो राइट साइड से हम इसी तरीके से कंप्लीट। फर्स्ट रो में हमारे पास 4 फंदे ये वाले हैं और ऐसे ही 4 फंदे हमारे पास ये हैं। इसको हम सिलाई को इस तरीके से घुमा देंगे। अब ये देखिए, आपने क्या करना है, इस वाले फंदे को जो हमने डबल धागा लपेटा था, आपने इसको इस तरीके से खोल देना है। अब यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे, ये देखिए 2 फंदे लेंगे, और इस वाले फंदे को आपने ये लेफ्ट वाली सिलाई पर लाना है और ये 2 फंदे आपने निकाल कर राइट वाली सिलाई पर इस तरीके से लाना है। ये देखिए, अब इन दोनों को बिना बुने और इसको हमने उल्टा बुनना है। ये देखिए, अब इसको हमने उतारना है और इस फंदे को आपने ऐसे खोल देना है। फिर 2 फंदे हम एक साथ लेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को ये देखिए राइट पर लेंगे और इसको हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए, इस फंदे को उतारेंगे, इन फंदों को खोल देंगे हम। ये देखिए, अब 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और इस फंदे को आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर और ये 2 फंदे आपने राइट वाली सिलाई पर लेने और इसको आपने उल्टा बनाना है। ये देखिए, एक बार फिर देखिए, इस फंदे को आपने उतारना है, इन फंदों को आपने खोल देना है, ये देखिए ऐसे, और 2 फंदे आप उतारेंगे, इस वाले फंदे को आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है और ये वाले फंदे हमारी राइट वाली सिलाई पर आ जाएंगे और अब आपने इस फंदे को उल्टा बनाना है। ये देखिए, रॉन्ग साइड से सेकेंड रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट। राइट साइड से हम बनाएंगे थर्ड रो। ये देखिए, यहाँ पर ये फंदा हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं ऐसे ही उतार रही हूँ और इस फंदे को आपने सीधा बना लेना है। अब ये वाला फंदा आपने उतारना है और इन 3 फंदों को आपने सीधा बना लेना है। इस फंदे को उतार लेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। राइट साइड से थर्ड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से फोर्थ रो बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, ये देखिए, ये फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाना है। इस पर हमारा कोई कलर नहीं है इसलिए आपने उल्टा बनाना है। इसको आपने फंदे को उतारना है और यहाँ पर ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हैं, इन फंदों को आपने उल्टा बनाना है। अब इस फंदे को आपने उतारना है और 3 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे हैं, आपको उल्टा बनाना है। फिर धागा, सॉरी, फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से फोर्थ रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साइड से फिफ्थ रो बनाएंगे, कलर को हम चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, ये हमारा एज फंदा है, ये देखिए, और इस फंदे को भी हम ऐसे ही उतारेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने कलर को चेंज करना और डिज़ाइन बनाना है। इस पर हमने 1 और 2 बार धागे को इस तरीके से लपेटना और इसे सीधा बनाना है। फिर ये देखिए, 1, 2 इन 3 फंदों को आपने ऐसे ही उतारना है और इसके ऊपर आपने कलर चेंज कर 2 बार धागे को सीधा बनाना है। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे और इस पर सीधा बनाएंगे। इन 3 फंदों को आपने उतारना है और इस पर आपने कलर को चेंज करना है। ये देखिए, 3 फंदे बनाएंगे, फिर इस पर कलर चेंज कर ये ऐसे करेंगे। ये देखिए, फिफ्थ रो आपने राइट साइड से इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर 3 फंदे, अब यहाँ पर हमारा एक भी वो नहीं, तो अब आपने यहाँ पर 3 फंदों के बाद डिज़ाइन बनाना, आपने डिज़ाइन को सेट करना है। ये देखिए ऐसे,
यस। अब ये दो फंदे हमारे इस तरीके से ऐसे हो जाएंगे। फिफ्थ रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, साइड से सिक्स्थ रो बनाएंगे। अब ये देखिए इस फंदे को आपने खोलना है, ये देखिए ऐसे, और ये दो फंदे आपने लेफ्ट राइट वाली सिलाई पर लेना। अब ये वाला आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना और इनको निकालना है, और इन दोनों फंदों को आपने राइट वाली सिलाई पर इस तरीके से लेना है। अब इस फंदे को आपने उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा ये है इसको आपने उतारना है। अब यहाँ पर इस फंदे को आपने ऑरेंज वाले को खोलना है इस तरीके से, फिर दो फंदे हम राइट वाली सिलाई पर लेंगे और इसको आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है, और इन दोनों फंदों को आपने राइट वाली सिलाई पर लेना है, और इस फंदे को ऑरेंज वाले को आपने उल्टा बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। फिर ऐसे इसे राइट पर इसे खोलेंगे, दो फंदे हम एक साथ लेंगे और इस फंदे को हम लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इन दोनों को हम राइट वाली पर लेंगे, ये देखिए, और इसे हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए। फिर इस फंदे को उतारेंगे यहाँ पर इसको, फिर दो फंदे ये यहाँ पर लेफ्ट पर लेंगे सिलाई को, इसको फंदे को, ये हमारी राइट फंदे पर आए, सॉरी राइट वाले फंदे इस पर आएंगे, ये देखिए, और इसको ऐसे ही उतारेंगे। रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साइड से सेवन्थ रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं उतार रही हूँ, ये देखिए, और इस फंदे को भी उतारना है। अब यहाँ पर दो फंदे हमारे यहाँ दो सीधे आ रहे हैं, इसे हम दो सीधे बना लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, बीच में हमारे सभी फंदे यहाँ पर, ये तीन फंदे ही आएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे। फिर इस फंदे को उतारेंगे हम, इस पर हम 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ऑरेंज वाले को उतारेंगे, अब यहाँ पर 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। फिर ऑरेंज वाले को उतारेंगे और यहाँ पर 3 फंदे हमारे यहाँ पर ये सीधे आएंगे, ये देखिए। सेवन्थ रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। राइट से एट्थ रो बनाएंगे। ये फंदे हमारे उल्टे हैं, इसे उल्टे बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब ये ऑरेंज वाला है, इसको आपने ऐसे ही बिना बुने उतारना है, और यहाँ पर 1 2 और 3 फंदे आपने उल्टे बनाने, ऑरेंज वाले को उतारना है, यहाँ पर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे यहाँ पर हम उल्टे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से 8th रो हम इसी तरीके से कंप्लीट। ये डिज़ाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। 8th रो तक आप बनाएंगे तो ये डिज़ाइन आपका इस तरीके से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए 1 2 और ये 3 कलर लगाए हैं, आप इसमें मल्टी कलर भी लगाकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और बड़े पैटर्न में ये डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।